हाथरस में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति दहेज नहीं मिलने पर तलाक देने का दबाव बना रहा है। इतना ही नहीं, जब महिला अपने पति का विरोध करती है तो आरोपी उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मुझसे ये जबरन तलाक मांगते हैं, ना देती हूं, ना मना करती हूं, तो मुझे मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वहीं मामले को तूल पकड़ता हुआ देख डीएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि पीड़िता दो बच्चों की मां है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। हाथरस से सूरज मौर्य, पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।